इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से एक बार स्वयं मिलें, अन्यथा उससे हुई किसी तरह की असुविधा के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हाय, वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट। मैं मीरा रोड में हूँ, एम पठान गोट फार्म पे, विद उस्मान पठान एंड टीम। सलाम अलैकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। उस्मान भाई, डॉक्टर सोहेल ने इंट्रोड्यूस कराया मुझे हाँ आपसे, और मेरे मेरे कजिन भी यहीं पे रहते हैं आपके पड़ोस में, वो भी आपको पहचानते हैं। हाँ, अलहम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई, आपने फार्म का नाम एम पठान क्यों है? आपका नाम तो उस्मान है, एम फॉर व्हाट भाई? एम फॉर मेरी बेटी का नाम आता है महविश, इसलिए मैंने एम डॉट पठान गोट फार्म लगाया। सो बेसिकली महविश पठान। महविश पठान गोट। गूगल पे रजिस्टर्ड है? नहीं, अभी नहीं, कर लेंगे फिलहाल। करोगे फिलहाल? क्या खासियत है फार्म की भाई? खासियत ये है ना कि फात भाई, ऐसा है कि हम लोग काफ़ी टाइम से शौक कर रहे हैं, जैसे कि अभी कम से कम 20-21 साल हो चुका है हम लोगों, तो अभी हम लोग ने ये सोचा कि चलो इसको अभी देख रहे हैं। हम लोग भी आपके वीडियोस भी देखते हैं कि काफ़ी सारे पलाई के रिजल्ट आप दिखा रहे हैं हर फार्म पे, कोई एक फार्म का नाम नहीं लेता हूँ, हर फार्म पे लगभग यही चल रहा है। तो हम लोग ने भी ऐसा सोचा कि क्यों ना अपन भी ये कर सके, क्योंकि हम लोग तो मेंढे आज माशाल्लाह 20-22 साल से कर ही रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे भाई हमको जानते हैं वो तो देखे ही अपने पास का रिजल्ट। तो हम लोग ने ये सोचा कि हम बकरे भी पलाई पे लेते, और बम्बई के बम्बई में ही है जी, बम्बई के बम्बई। मैंने, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने देखा बकरे तो बहुत लोग पलाई पे रहते हैं, हाँ, लेकिन मेंढा स्पेशल कोई फार्म ऐसा अभी तक के मैंने बॉम्बे में नहीं देखा। उम्मीद है भाई, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप बोलोगे कि मैंने अभी देखा हो मेंढा स्पेशल। तो अभी फिलहाल कैपेसिटी कितनी है अपने फार्म की भाई? अभी कैपेसिटी तो एक 20-25 जानवर की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारे केजेस बने। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेल बिल्ट और वेरी वेरी क्लीन। आने से पहले क्लीन हुआ है? नहीं नहीं भाई, ये डेली का है, आप कभी भी आओ, लेकिन सुबह के दाने के बाद। ओके। हम सुबह 10 बजे दाना करते हैं, उसके बाद 11 बजे तक के सब क्लीन हो जाता है। आप 11 के बाद कोई भी टाइम आके देख सकते हो। तो क्या है पलाई, पलाई रेट क्या है भाई? पलाई का रेट ऐसा है ना कि जो अंडर 50 है, 50 kg के नीचे के जानवर है, मतलब 50 kg तक के, तो उनका हमने चार्ज रखा है 3,000 रुपीज, और उसके अंदर वैक्सीनेशन वगैरह कुछ भी आपको नहीं करना सब। नहीं, हाँ, बकरा हो या मेंढा, 3,000। हाँ, 50 के अंदर जो भी है। तो केज का क्या, खूटे का कि कहीं पे भी रहो, खूटे पे क्या केज पे? खूटे पे नहीं है एक्चुअली, ये जो आपको खूटा अभी दिख रहा है ना, आपने देखे होंगे आने के टाइम पे हमने सामान सब मंगा के रखा है। अभी ये मेंढो के लिए अलग सेशन बन जाएगा, और इंशाल्लाह बकरे जो अंडुल बकरे है, वो कितने भी अंडुल हो हमारे पास पलाई पे, हर हर किसी को ऐसे ही रखेंगे भाई, केजेस ही बनना, हर किसी को ऐसे ही सिंगल केज में रखेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल केजेस कितने हैं? केजेस अभी अपने पास 11 बने हैं। और कितना बन जाएगा इंशाल्लाह? ऐसा इरादा तो भाई ऐसा है कि जल्द से जल्द 200-250 केज बन जाए। फार्म तो बहुत है यहाँ पे पलाई के, लोगों को आपके पास क्यों रखना चाहिए भाई? हमारे पास, हमारे पास रखने की ना ऐसे देखे जाए तो बहुत सी वजह, लेकिन फिलहाल दो वजह ऐसी है कि भाई आप तो कवर करते ही हो, तो आपने देखे कि मुंबई से हर फार्म कितनी दूरी पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने तो मतलब ऐसी जगह फार्म खोले कि बम्बई वाला रोज आके भी देख सकता है भाई। मीरा रोड में एग्जैक्टली है कहाँ? मीरा रोड में है ये, हाटकेश, काशी मीरा में, जीसीसी क्लब के पास। सो हाटकेश में है, जीसीसी क्लब के पास, गौरव वैली के करीब जी। एक मेन तो सिटी में है जी, पब्लिक का टाइम बचता है, पेट्रोल का पैसा बचता है, अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं, सोचना नहीं पड़ेगा। अभी तो पेट्रोल अभी फिलहाल, हाँ, फिलहाल तो आदमियों को जाने के लिए मतलब किसी फार्म पे अगर विजिट करना है, अभी मेरे किधर बकरे रखे, राइट राइट, मेरे को जाना है तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि दूर चार घंटे लग जाते हैं, ट्रैफिक इतनी है, 3-4 घंटे जाने के, 3-4 घंटे आने, तो इसलिए यहाँ पे आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ऐसी है ना फात भाई, कि आज 20-21 साल से हम लोग मेंढे तैयार कर रहे हैं, माशाल्लाह पाल रहे, बकरे भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन घर की कुर्बानी के लिए। लेकिन फात भाई कैसा है, अभी बहुत जने पलाई करने वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुरा नहीं है, सब अपना 100% ही देते हैं, लेकिन मसला ऐसा है ना कि कोई अगर जो मेंढे पालता है तो उसको पता होगा मैं सही बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेंढे की चराई है ना भाई, वो बकरों से कई हाई लेवल पे, ये आपको भी पता होगा। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि 1000% अपना दे, और बकरों को अच्छे से अच्छा करके दे, तो इसलिए हमारे पास आना चाहिए भाई। देखिए, बकरा कोई भी अगर रखता है आपके पास, तो दे एक्सपेक्ट रिजल्ट, क्या 1 महीने में 3 किलो बढ़े, 5 किलो बढ़े, फलाने ढंका भाई, कैसा है मेंढे में लोग क्या देखते हैं? मेंढे में भी भाई वही सब देखा जाता है, इनका वेट कितना बढ़ रहा है, ये कितना एग्रेसिव हो रहे हैं, इनकी खुराक, डाइट वगैरह। अभी कैसा है, बकरों को तो सिर्फ दाना चलता है, हरी पत्ती चलती है, पत्ते चलते हैं, इनकी जो बात है ना भाई, इनके लिए स्पेशल हम घर में ही एक आइटम बनाते हैं सर। अच्छा, तो पूरा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा उसमें, फिर भी तकरीबन एक 40 आइटम तो होते हैं भाई, जो हम इनको तैयार करने में वो यूज करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बकरों पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके ओके, ये अभी कितने किलो पे होगा फतेह? ये भाई माशाल्लाह 100 तक तो होगा। अगर फतेह के जैसा कोई मेंढा बनाना है जी, ईद तक के जी, लोग कुर्बानी के लिए ही लेंगे ना मेंढा? हाँ, कुर्बानी के लिए,
तो कुर्बानी के लिए अगर ये साइज का मेंढा चाहिए नेक्स्ट जुलाई तक के, अभी हम बना रहे हैं 3 अक्टूबर को वीडियो, अक्टूबर में कोई लेके रखता है तो कितने किलो का मेंढा लेना चाहिए मुझे? भाई कैसा, वो तो मेंढे पे डिपेंड है, अभी आप बच्चा लोगे फात भाई तो बच्चे को उतना होने के लिए कम से कम बहुत टाइम जाएगा। अगर आप दाती मेंढे लेते हो जैसे 4 दाते 6 दाते बड़ी फ्रेम का मेंढा है तो माशाल्लाह उसको टाइम नहीं जाएगा भाई, वो फटाफट कवर होगा। और मेंढों में एक खासियत है भाई, इनमें भी अलग अलग ब्रीड होती है आपको पता होगा, तो इन सब में अगर आपको जल्दी ज्यादा अच्छा बनाना है तो वो है विलायती मेंढा भाई। विलायती मेंढे के साथ खाने में जरा भी नाटक नहीं, कुछ शर्माना नहीं, फटाफट खाते भी है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बॉडी पे असर भी करता है। तो मेरा सवाल ये है, कोई विलायती मेंढा अगर 100 किलो का बनाना चाहे इतने के, तो अभी अक्टूबर में कितने किलो का लेके देना चाहिए आपके पास? भाई कैसा है, अभी एक साल के लिए, एक साल में बनाना है मतलब, या 9 महीने में बनाना है, 100 किलो बनाना है तो भाई आप मेरे को 55-60 किलो का मेंढा लेके दो ना, इंशाल्लाह ताला मैं आपको 100 पार करा दूंगा। बकरे में जनरली लोग बोलते हैं 25-30 किलो बढ़ गया साल का तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो मेंढे में कितना बढ़ता है साल का? भाई साल में तो वो अपने ऊपर डिपेंड है, अच्छा खाने पीने वाला मेंढा होगा तो कितना बढ़ेगा भाई? साल में मेरे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह 50 किलो हाँ आराम से खींच लेगा। आप गारंटी देते हो? भाई गारंटी तो देखो किसी चीज की नहीं रहती है, लेकिन इंशाल्लाह अपना 1000% देगी इस चीज की गारंटी है। हाँ भाई, वेट मशीन है यहाँ पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वेट मशीन है। ये 100 किलो का है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं भाई, अच्छा ये बेचना नहीं, ये अपने घर में कुर्बानी होगा इंशाल्लाह। फेमस क्यों है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है ये, इसके चाहने वाले बहुत है भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 20-22 साल से मतलब मेंढे पाल रहा हूँ अपने घर के लिए, तो ऐसे बहुत दोस्त यार है जो खुद भी पालते हैं, बकरे पालते हैं, मेंढे पालते हैं, तो उन लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ये फतेह में ऐसी क्या चीज है जो दूसरों मेंढों में आपको नहीं देखने मिली भाई? फतेह में कहाँ से, चेहरे से शुरू करें भाई? हर चीज से आप शुरू कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके दांत हैं ये, अभी 8 दांत पे भाई, और इसके दांत के बीच में जो गैप देख रहा हूँ यूजुअली रहते हैं ऐसे, किसी कोई कोई मेंढे को रहते हैं और किसी मेंढे को नहीं रहते तो भाई, दांत क्या घस गए इनमें भी? नहीं नहीं घस जाते हैं, लेकिन इसके घसे नहीं है माशाल्लाह। कितने साल का होगा वैसे ये? ये होगा भाई 4 साल का लगभग। 4 साल का है? और सिंग कैसी रहना चाहिए जल्दी भाई? सिंग मेंढो की है ना, देखो क्या होता है फात भाई पता है, बहुत से मेंढो की सिंग जो है ना वो चेटी पे चिटकी भी होती है, ये जो चेटी है ना हेड दिखा रहमान इसके ऊपर है ना चिटकी भी रहती है। ओके। तो वो चिटकी भी रहने से फात भाई ऐसा होता है ना कि वो विलायती मेंढो को प्रॉब्लम होती है, तो उधर पसीना जम जाता है काफी सारा। हाँ थोड़ा गैप रहेगा तो उसमें कैसा हवा पास होती है फात भाई, तो उसमें पसीना वसीना जमता नहीं है, तो वो भी एकदम फ्री रहता है। मुझे बताया था इनके सिंगों के बीच में कोई मेंढकी, मेंढकी आती है ना भाई, तो वो काटना पड़ता है? नहीं भाई ऐसा काटना जरूरी नहीं है, मेंढो को अगर आप खूटा दोगे ना तो खूटे पे मार मार के ही अपनी मेंढ की सही कर लेता है। ओके, तो सिंग जनरली यही शेप में, हाँ, नीचे फ्रंट में घुमी हुई सिंग तो कैसी भी चलती है, लेकिन ये जो सिंग है ना भाई ये सिंग बहुत मजबूती है, आप देख सकते हो इसकी थिकनेस, देख सकते हो कितनी होगी इसकी थिकनेस? अगर राउंड आप करोगे तो मेरे ख्याल से 8 इंच तो होगी भाई, 8 इंच की है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हिस्ट्री क्या है इसकी, कहाँ से लिया था आपने? इसकी हिस्ट्री ऐसी है ना भाई कि ये आया था जम्मू से, जम्मू से आया था, और ये लिए थे हमारे यूनुस भाई करके एक है बॉम्बे के, यूनुस बॉन्ड, उन्होंने लिया था ये, तो उनके पास से मैंने परचेज किया था जी। और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट विलायती मेंढा है। कौन से साल में आपने परचेज किया? ये मैंने किया था 2018 में दिसंबर 25 दिसंबर को। ओके। इसका नाम तभी जॉर्डन था फात भाई, इसको मैंने खरीदा और वहाँ से वही माहिम दरगाह लेके गया और इसका नाम वहाँ पे माशाल्लाह फतेह रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह फतेह का मतलब विक्टोरियस होता है ना, यानी किसी चीज पे फतेह हासिल करना, टू बी विक्टोरियस। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कैसा अपने लाइफ का फर्स्ट विलायती मेंढा था, नहीं तो इसके पहले मैं कर्नाटकी और देसी मेंढे पाला करता था भाई, लेकिन विलायती ये जब फर्स्ट लिया ना तो फिर दिल ऐसा किया कि खाली विलायती पालो, विलायती पालो। आज अल्हम्दुलिल्लाह खाली विलायतियों का कलेक्शन है। एक तो आपने बता दिया सिंग विंग के बारे में, और क्या देखना चाहिए विलायती मेंढा कोई लेता है तो? भाई उसकी सिंग है, उसकी लेंथ है, लेंथ इसकी बहुत, हाँ लेंथ जरूरी होती है, आदमी भी देख के पहचान जाएगा कि लेंथ कितनी अच्छी है, लेकिन यंग में पता नहीं चलेगा ना, तो अभी फुल साइज है तो पता चल रहा है? नहीं भाई पता चल जाता है भाई, ये जब मेरे पास आया था ना फात भाई तो लगभग कुछ 68 या 69 केजी पे था, लेकिन इसकी लेंथ अच्छी थी। ओके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वेट तो कैसा, इनको अच्छी खिलाई पिलाई देंगे आप और टाइम और टाइम देंगे तो इंशाल्लाह इनको बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये पहाड़ी होते हैं इसीलिए ज्यादा रीजन हम थोड़ा बाहर निकाले इसको हल्की सी गर्मी में। हाँ, इतना एक्चुअली कैसा, मैंने अभी तक के आई कैन सी इसका पेड़ देखो हिल ही रहा है फात भाई। एक्चुअली ऐसा है ना कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये जम्मू से आया हुआ मेंढा, और आपको पता है जम्मू का कश्मीर का क्लाइमेट कैसा रहता है, बिल्कुल, तो अल्लाह पाक ने इनको वहाँ के हिसाब से डाला है ये विलायती मेंढो को, कि इनको ठंडी जगह पे ही रहना मतलब ज्यादातर पसंद है जी, ऐसा है इस वजह से ये ज्यादा हाँप रहा है, वरना और कोई मुश्किल नहीं है, और आप देख ही रहे इम्यूनिटी कितनी है।
मेंढो को खिलाना क्या चाहिए उसे? कोई घर पे पालता है तो क्या खिलाना चाहिए? भाई ऐसे तो माशाल्लाह कोई गेहूँ खिलाता है, कोई चने खिलाता है, कोई क्या खिलाता है, सब अपने अपने फीड है भाई। आप क्या खिलाते भाई? अभी अपन जो खिलाते हैं वो इंशाल्लाह ताला आगे आगे चल के बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कोई एक चीज़ बताइए, अभी सर्दी आ रही है तो मेंढो को क्या खिलाना चाहिए? भाई सर्दी में तो जितना आप हो सके चना खिलाओ उसको। ओके हाँ माशाल्लाह ठीक है, चना खिलाओ, दूध पिलाओ, अंडे खिलाओ। फतेह जो है बेचना नहीं है, नहीं ठीक है, लेकिन फ्लाई पे अगर रखना है किसी को, पर्सनल सेटअप विजिट करना है, किसी भी टाइम आ सकते हैं? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोपहर में 12 बजे के बाद से शाम में 4 बजे तक या 5 बजे कॉल करके आओ। इनको कॉल करके आएंगे तो ज़्यादा बेटर है, मैं मिल जाऊँगा। और मैं नहीं भी रिया तो भी मतलब बंदे तो अपने माशाल्लाह इधर रहते ही है। ठीक है चलिए, मेंढे की और आपके बारे में हम दूसरों से भी सुनते हैं। डॉक्टर सुहेल को अगर आप माइक दोगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर भाई। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, पहले फार्म के बारे में कुछ बताएं और क्यों लोगों को यहाँ पे रखना चाहिए। फाद भाई जैसा उस्मान भाई ने आपको बताया, आप ट्रीटमेंट करते हो यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, डॉक्टर साहब तो है ही ना साथ में, यूँ काफ़ी सालों से ही है हम लोग। मतलब दाढ़ी मुझ भी नहीं आई थी ना डॉक्टर साहब को ना मेरे को, सबसे साथ में है। बहुत पुराना याराना है हमारा तो भाई। और दूसरा लोगों को फार्म के बारे में बताऊंगा। फाद भाई इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है, 3 एकड़ के करीब जगह है, और इनके दिमाग में मैं ही ये रेंटेड है क्या? खुद का है ये? खुद का है, खुद का प्रॉपर्टी है। और ये रखे थे तो मैं बोला उस्मान भाई अपन तो ये शौक कर दे, ये पूरा मतलब वक्त इस पर दे रही है तो अपन इसको क्यों ना फार्म बना के प्रमोट किया जाए। तो उस्मान भाई के भी दिमाग में शायद ये बात अच्छी लगी और मेरा मशवरा उनको अच्छा लगा तो उन्होंने फार्म बना दिए। अब पूरा पूरा टाइम हम दे रहे ही थे जानवरों पे, और भी लोगों के जानवर पे देंगे और लोग भी खुश होंगे इंशाल्लाह। फतेह के बारे में बताएं कुछ। फतेह मेरा पसंदीदा मेंढा है उस्मान भाई के पास में, मैं भी पसंद करता हूँ। दो साल से है उस्मान भाई अपने पास। इंटरेस्टिंगली जब भी मेंढो की वीडियो बनती है आप रहते ही हो। लास्ट टाइम हमने बनाया था एक मलेरकोटला, हाँ उसके पहले बनाया था आपके मेंढो की सेल की वीडियो। जी जी जी, मेंढो से लगाव है मेरे को, मेंढे पसंद है, पहले से मेंढे पालता हूँ और मेंढे के जितने शौकीन है ये मेरे दोस्त। एक वो मुनीर भाई का जो था वो क्या नाम था मेंढे का, टोचन मेंढा, उसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटीज है? ये सेम ही एक ही जगह के लगभग उस्मान भाई है ना, वो भी जम्मू का ही था ना, उन्होंने जम्मू का ही था, जम्मू का ही मेंढा था और सेम मेंढे ही है। आपने देखा होगा उसको फाद भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह वगैरह बहुत बहुत जबरदस्त, हर चीज मतलब मेंढे में देखी जाती है फाद भाई, क्वालिटी जानने के लिए हर चीज देखी जाती है मेंढे। ऐसा है तो ये डॉक्टर साहब ही है जिन्होंने मतलब अपने दिमाग में आइडिया डाले कि भाई अभी तुम शौक तो कर ही रहे हो इतने साल से तो क्यों ना तुम इसको फार्म करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इस पे पलाई पे चालू करो। आपके पास बेचने के लिए भी है, लोगों को यहीं पे खरीद के भाई कैसा है? हाँ 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 मिल जाएगी जरूर। सोहेल भाई तो बेचते हैं, सोहेल भाई अपना देख रहे हैं मेरे दुकान में। नहीं इंशाल्लाह सेलिंग करेंगे हम भी, उस्मान भाई भी सेल कर सकते करेंगे भाई इंशाल्लाह ताला। सोहेल भाई लेकिन आप बेचते हो ना? हाँ मैं बेचता हूं। आप बेचते हो? सोहेल भाई का वहीं पे वो पुराना जो शॉप था, हाँ वहाँ पे है स्टेशन के सामने, ये भी मेरा ही है, इसको मैं अलग नहीं मानता हूँ और शायद ये भी नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फ्रेंड से बात करते हैं? हाँ भैया सबसे बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका भाई? अस्सलाम वालेकुम। बंसलाम। मेरा नाम वजाहत खान। वजाहत? वजाहत भाई, वजाहत भाई ने बोले भाई आप जीडी पे एक बकरा बनाए थे वीडियो, मैं पहचानता हूँ बकरे को, कौन सा बकरा था आप और आपका क्या कनेक्शन था उससे? शहजादा ऑल्टर था वो, शहजादा ऑल्टर। तो वो यहीं से गया था? हाँ वो यहीं से गया था, हमारे एक फ्रेंड है उनके थ्रू। हमारे पास ही था भाई वो बकरा। अच्छा। हम लोगों ने एक फ्रेंड है इमरान करके मुमरा में, हाँ। तो मुमरा में वो इमरान भाई को हमने सेल किया था। ओके। फिर वहाँ से वो जेडी पे पहुंचा भाई। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इसको कवर किया था, बहुत पसंद की थी माशाल्लाह। वो पसंद मेरे को भी बहुत था फाद भाई, मैंने वो मेंढे ज्यादा थे अपने पास, मेंढो का शौक था, बकरों का। उस टाइम पे था ये सेटअप? हाँ था फाद भाई, लेकिन ये जो आप बकरों का सेटअप देख रहे हो ना, हाँ, बस यही नया है इसमें। ओके बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तो था ही। ठीक है नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई इज वेरी फेमस फॉर द मोस्ट एग्जॉटिक हिजाजी गोट्स। नदीम भाई थैंक यू सो मच, वेलकम फाद भाई, वहाँ से वीडियो बना के भेजते हो। बताइए हिजाजी गोट्स के बारे में, इंडिया में कभी आप आएंगे कि नहीं आ पाएंगे? इंशाल्लाह लीगली पॉसिबल टू इम्पोर्ट देम? इंशाल्लाह मैंने कोशिश किया था अभी तो मेरे सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए थे तो लास्ट लीगली पॉसिबल है इंपोर्ट करना जानवर? पॉसिबल है, पॉसिबल है और मैंने लाइक 80% तक के मैं मतलब मेरे डॉक्यूमेंट सब रेडी हो गए थे। ओके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ मिल गए थे मेरे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, फिर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट दिल्ली, महाराष्ट्र एनिमल हस्बेंड्री और पुणे शेरडी विभाग से, फिर उसमें लास्ट में मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग में जाके कैंसिल हुआ है मेरा। क्यों? तो इंशाल्लाह भी वापस से मैं ट्राई करूँगा।
तो वो लोग मेरे को स्पेसिफिक कोई मतलब बताया नहीं कि कोविड की वजह से, नहीं कोविड की वजह से भी हो सकता है और कोई दूसरा भी रीज़न हो सकता है, मेरे को वो लोग ने स्पेसिफिक किए नहीं। मतलब, मीरा रोड में ही रहते हो ना? हाँ मैं यहीं रहता हूँ मीरा रोड। सो यू आर आल्सो सपोज्ड टू स्टार्ट योर ओन फार्म? नहीं मेरा तो मतलब फार्म का, इसके बारे में बताइए लोगों को यहाँ पे क्यों रखना चाहिए। तो यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आकर मतलब मैं तो जब से जब भी बारिन से यहाँ पर आता हूँ इंडिया में तो यही जगह है मेरी बैठने की। जो जानवर के शौकीन है उनके लिए जगह बहुत अच्छी है, स्पेशली जो इनको मेरा शौक भी यहीं से शुरू हुआ है। यहाँ पर हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं जी। और यहीं से मेरा शौक शुरू हुआ है और यहाँ पर मतलब साफ सफाई हो गई, फीड हो गई, खाने में मतलब हर चीज़ यहाँ पर मतलब लोगों को टाइम टू टाइम मिलती है। और अब मेंढे तो देख ही सकते हो कैसे तैयार हुए, मैंने तो बकरा भी देखा, बहुत अच्छा तैयार हुआ है, लेकिन उसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे और अच्छा तैयार होने दो। एक सवाल पूछना है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, खस्सी बकरों का आपने नहीं बोला, पहले खाली 50 किलो के अंडर बोल, नहीं खस्सी बकरों का, खस्सी बकरे कोई भी हो छोटे बड़े अपन 2500 उनका चार्ज करेंगे। 2100 किलो का भी बकरा कोई लाके, कितने किलो का भी हो खस्सी 2500 रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और कितना आप एक्सपेक्ट करते हो भाई पर मंथ कितना गेन करके देंगे? भाई कैसा है ना फात भाई, जब बकरा एंटर होगा अपने पास ना तो उसके फर्स्ट मंथ तो उससे कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि उसको सेट होने में अपना दाना सेट होने में ही टाइम चले जाएगा इतना। आजकल बहुत लोग ऑफर दे रहे हैं भाई, खुदा ना खास्ता कुछ बकरे को हो जाता है पलाई पे रखते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट रिफंड करेंगे, आप ऐसा ऑफर आए हो? नहीं भाई ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं है, और जिन्होंने ऑफर दिया है तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे दिया है, क्योंकि भाई कैसा है, हाँ भाई इसमें कुछ भी हो सकता है कभी भी, अल्लाह ना करे भाई, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, उनको पड़वड़ता है वो करें, यस आपको नहीं, अपने को नहीं पड़वड़ेगा तो नहीं कर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर जो करता है तो कंज्यूमर का ही फायदा है। हाँ वो तो है, लेकिन कंज्यूमर का ही है। ठीक है, तो 2500 रुपए खस्सी चार्ज है, कोई बकरियां रखना चाहे तो उनका भी 2500 रुपए उनका भी। मलेरकोटला चलते हैं, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शादाब कपूर। शादाब भाई आप मलेरकोटला के रहने वाले हैं? हाँ, मेरे नाना मामा का घर है, वहाँ पर भी मेंढों का बहुत शौक होता है। हाँ बताइए कुछ वहाँ के शौक के बारे में। मैंने मलेरकोटला में बहुत मेंढे देखे पर फतेह जैसा मैंने अब तक नहीं देखा। क्या मतलब बात कर रहे हो, हाँ ऐसी क्या बात है जो आपको वहाँ पे मलेरकोटला के मेंढे में नहीं दिखी? मतलब ऐसी मेंढे वाले नाराज ना हो जाए आपसे? नहीं नहीं, मतलब जो इनकी खिलाई है ना, जो इनने तैयार किया है फतेह को, मैं उनसे इम्प्रेस हूँ। एक मिनट दोगे? मैंने है ना कुछ नेट पे वीडियो देखा था, बोले मेंढे की गर्दन बांध के रखते हैं फिर मसाज वसाज करते हैं, वो नीचे मुंडी ना झुकाए। नहीं नहीं भाई वो सब तो तकलीफ दे काम है मेंढों को, ये सब तो करना भी नहीं चाहिए भाई। अभी 2-2 घंटे 2.5 घंटे आप जैसे बोल रहे हो, मैंने भी देखा हो वीडियो, बांध के टंगा देते हैं उनकी गर्दन की मालिश वगैरह, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। नहीं ये सब की जरूरत ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते भाई। और ये ही नहीं मेरा कोई भी मेंढा, इसका फाद भाई ये 2 साल से तो इसका वेट ये मत समझो कि 100 किलो, इसको डाउन नहीं करते अभी, अभी तो कम होगा ना, नहीं नहीं इसको डाउन 85 होगा अभी के ज्यादा 90 प्लस होगा। फाद भाई इसका वेट उतारते हैं हम लोग, मतलब इसका वेट चढ़ा उतार करते हैं, क्योंकि पालना है हमको, शौक करना, कुर्बानी अभी करना नहीं, पालना ये कुर्बानी नहीं करोगे अभी, करेंगे नस्ल निकालो इसकी, अगले साल करूंगा। अभी एक मेंढी है अपने पास माशाल्लाह, इसके लिए ही लाया था मैंने, और अभी गाप भी इसी से है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। बेचोगे उसका बच्चा? नहीं खुद ही के लिए रखे। ठीक है, सेलिंग के लिए भी लाएंगे फात भाई इंशाल्लाह, मेंढे भी लाएंगे, बकरे भी और लाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपके चैनल के थ्रू सेल भी करेंगे और बताएंगे भी लोगों को इंशाल्लाह। भाई पलाई पे रखिए इनके पास और इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? पकड़ सकोगे माइक? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई बताइए, आपसे कंट्रोल में रुका है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर आते हो? हाँ इधर ही रहते हम लोग। क्या खास बात है मेंढे की? खास बात तो ये इसमें कि ये मेंढा जो फतेह है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और ये सबके कंट्रोल में आता नहीं है इधर, मतलब बट इंसानों को इतना मारते नहीं। अभी मैं शूट कर रहा था, मुझे तो डर लग रहा था। असल में वो बाहर धूप में था मेंढा, जब ही थक गया था वो बाहर, ज़्यादा इन लोग को निकालते नहीं है जब सुबह के टाइम या शाम के टाइम। हाँ जब धूप का टाइम नहीं होता है, छाँव रहती है, ठंडा मौसम रहता है तभी निकालते। और इधर मतलब जितने हम लोग रहते हैं साइड पे उनके कंट्रोल में ही आता है ये, बाहर वाले लोग के किसी के कंट्रोल में नहीं आता। ओके ओके, इसमें एक खास बात है। ठीक है, सो फाइट बाय द प्रायोरिटी इज टू कीप देम। या यू कैन यूज द माइक। नहीं नो, बात करिए, बात करो ना माइक, डोंट प्रेस एनीथिंग, नो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। सो फाइट बाय द प्रायोरिटी इज यू नो वी मेक द मोस्ट टू कीप देम कंफर्टेबल। या सो दैट्स व्हाट वी डू। और व्हाट डू यू डू एक्स्ट्रा, क्या करते हो आप एक्स्ट्रा? मतलब अभी फात भाई ऐसा है कि मतलब अगर गर्मी एक्सटेंड होती ना तो हमने हमारे मेंढों को कूलर में भी रखा है उनके कंफर्टेबल। मैं यहाँ पे देखा, यहाँ पे पंखे लगे हुए ऊपर हर जगह पे है ना,
बट बारिश में कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है यहाँ पे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं फात भाई, अल्हम्दुलिल्लाह तेज बारिश हो तो ओके अल्हम्दुलिल्लाह अपना फार्म ठीक। अच्छा एक चीज बताया, आई मीन आई वाज वेरी क्यूरियस, आई सी टेस्टिकल्स अ लिटिल बिट लॉन्गर, आई मीन इट्स कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है फाद भाई, एक्चुअली उम्र की वजह से भी ये होता है। और जो मैंने आपको बता चुका हूँ अभी थोड़े टाइम पहले कि फाद भाई हम लोग जो इनके लिए खुराक इनकी माल जो तैयार करते तो उस वजह से ये ज्यादा हो जाता है फाद भाई। हाँ माशाल्लाह ठीक है। अच्छा इसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छे ट्रॉफीज वगैरह मिले रहे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे शोज में लेके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह भाई, वन अ लॉट ऑफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी एंड बकरिया और खसी बकरे, खसी बकरे इनी वेट वो। हाँ ठीक है, गूगल में आज पे लिस्ट हो जाओगे इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे कोई पेज है आपका? हाँ है ना। क्या है पेज का नाम? m.pathangodfarm m.pathangodfarm एंड योर नंबर 8169775719। व्हाट्सएप पर हो अवेलेबल? हाँ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, बिफोर वी एंड द वीडियो जैद कैसा लगा बकरा? हाँ जरा इनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मेरे को। कितने टाइम से जैद मुझे पहले ही लेके आ रहा था, बहुत टाइम से देख रहे हो मेंढी को राइट? बहुत टाइम से मैं तो इधर आता जाता रहता हूँ। अच्छा रेगुलरली आते हो? हाँ ठीक है, जैद इज माय कजिन, वैसे इसी में लेके आया मुझे डॉक्टर सुनील के साथ। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आपसे बात नहीं हुई थी। एंडी एंडी भाई, एंडी भाई कुछ यादें जुड़ी हुई है, आप केयर टेक कर रहे हैं इसके? जी हाँ। कुछ यादें बताइए इससे जुड़ी हुई, दरगाह वाला भी अच्छी इवेंट बताइए भाई। इसका सबसे स्पेशल डे हमारी लाइफ में ऐसा है ना, आपको अच्छी यादें जुड़ी हुई है इसे? भाई इसकी यादें तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हर दिन इसके साथ यादें ही जुड़ी है कुछ ना कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिसंबर जो है डेट, हर साल माशाल्लाह इसका केक कटिंग होता है फाद भाई माहिम दरगाह पे। हाँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात, माहिम दरगाह, फिर पूना में कमल अली दरवेश, माशाल्लाह मतलब बहुत शौकीन है हम लोग भी और ये भी दरगाह पे घूमने का। बर्थडे केक मेंढे या बकरे का नहीं फाद भाई, हम लोग करते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई वीडियो वीडियो? हाँ होगी वीडियो, होगी है ना अपने पास, एक भी कटा है, सब चीज की वीडियोस है उसकी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अपने बेटे जैसा प्यार करते हैं। हाँ भाई माशाल्लाह, इट्स लाइक अ फैमिली मेंबर ओनली। यस यस, देना नहीं है बेचना नहीं है, सो डोंट कॉल देम कि भाई खरीदना है, नहीं तो पब्लिक परेशान करेगी। पलाई पर रखना है मुंबई सिटी में मीरा रोड में। You're most welcome. Welcome. Get in touch with Usman bhai. Inshallah. Thank you so much. Jazakallah bhai.